मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं हूं अन्नू कपूर और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर पर अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनहरी यादों के सफर में आज एक और जश्न की बारी है। जश्न है सालगिरह सेलिब्रेट करने का। आज 2 अक्टूबर है। यूं तो 2 अक्टूबर को दो महान हस्तियों का जन्म हुआ, बापू और शास्त्री जी, लेकिन इसके साथ साथ ही एक कलाकार ने भी 2 अक्टूबर को जन्म लिया। मशहूर मारूफ हस्ती, नृत्यांगना, अभिनेत्री आशा पारेख। आज आशा जी का जन्मदिन है और आशा जी का जन्मदिन मनाएंगे, उनके ऊपर पिक्चराइज्ड गाने सुनेंगे और दास्तानें जानेंगे स्वयं आशा जी से। आज सुहाना सफर में हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा पारेख जी का। आज उनका बर्थडे है। 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में ही पैदा हुई थी और आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। आशा जी नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है, आप कैसी हैं? बस फर्स्ट क्लास। आज हम 2 अक्टूबर को ग्रेट आशा पारेख जी का बर्थडे मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ फोन पे बनी हुई। आशा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आशा जी, आज तो आपका बर्थडे है, आज गांधी जी का बर्थडे, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे। हाउ डू यू फील शेयरिंग योर बर्थडे विद? फील ग्रेट। लोग भूल नहीं सकते ना मेरी बर्थडे, भूलना भी क्या है, तो भूल नहीं सकते कि 2 अक्टूबर सबको याद रखना पड़ता है जी। कहाँ पैदा हुई थी आप? मैं बम्बई में पैदा हुई थी। एक्चुअली किसी को पता नहीं है लेकिन माई मदर वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो शुभ नाम था आशा जी, क्या नाम था मम्मी का? उनका नाम सुधा था, सुधा पारेख जी। और पिताजी का शुभ नाम? बच्चू भाई पारेख। अच्छा अच्छा जी। तो ये हुआ कि माई मदर वॉज अ फ्रीडम फाइटर और 1942 की फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी जी। तो वो लीड कर रही थी प्रोसेशन एंड माई अंकल सॉ, मेरे चाचा ने उनको देखा कि ये फुल्ली प्रेग्नेंट है और ये क्या कर रही है। तो ही केम रनिंग टू टेल हर कि भाई आपके ससुर जी बुला रहे हैं। शी हैड टू कम आउट ऑफ द मोर्चा जी। एंड लकीली नहीं तो मैं शायद जेल में ही पैदा हुई होती। आज सुहाना सफर में हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा पारेख जी का। आज उनका बर्थडे है। 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में ही पैदा हुई थी और आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। तो मम्मी ने एनकरेज किया डांस के लिए? ये हमने मम्मी ने देखा कि मुझे डांस का बहुत शौक था, म्यूजिक बजता था और मैं डांस करती थी जी। तो प्रेमनाथ जी ने मुझे देखा डांस करते हुए उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पे जी। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो बहुत अच्छा डांस करती, तो वो अपना इनको बीना राय जी को ले आए, मधुबाला जी को ले आए कि देखो इस लड़की को डांस करते हुए जी। तो हमारे स्कूल का फंक्शन था तो मम्मी ने कहा कि प्रेमनाथ जी से कि आप आइए एज अ चीफ गेस्ट जी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे आऊंगा अगर आशा डांस करेगी तो। अब मुझे डांस तो कुछ आता नहीं था जी। तो फिर मम्मी बेचारी घबराई, बोले अब क्या करूं? तो बोले हाँ हाँ ये डांस करेगी। तो मुझे लेट मोहनलाल पांडे के पास ले गई और कहा कि भैया एक आइटम इसका फिक्स कर दो, वो कथक सिखाते थे जी। तो उन्होंने कहा कि इसको 5-10 दिन थे तो कहा कि इसको जल्दी से एक आइटम फिक्स कर दो ताकि ये स्टेज पे डांस कर सके जी। और इस तरह से मेरा डांस का करियर शुरू हुआ। तो आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस प्रोफेशनली भी करना शुरू कर दिया था? हाँ, बहुत शोज किए। मैं फिल्म स्टार बनने के बाद भी मैंने स्टेज शोज चालू रखे थे जी। मैंने 3-4 बड़े बड़े बैलेट्स बनाए हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहें, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वो विजय भट्ट जी के साथ क्या हो गया था जो दिल टूट गया। आज सुहाना सफर में हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा पारेख जी का। आज उनका बर्थडे है। 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में ही पैदा हुई थी और आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। कहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ आपको, कहाँ से पहला ब्रेक मिला, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। विजय भट्ट जी की पिक्चर चैतन्य महाप्रभु में मैंने एक छोटा सा मतलब रोल किया था जी। और उसके बाद जब
उन्होंने ये पिक्चर की शहनाई बनाने का इरादा किया तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया जी। और मम्मी ने कहा कि चलो बात कर लेते हैं उनसे जी। तो जब गए तो उन्होंने कहा कि हमको मेन लीड में इनको लेना है जी। तो उसके बाद काम शुरू हो गया। दो दिन शूटिंग करने के बाद उस दिन दूसरे दिन रात को मम्मी को बुला के उन्होंने कहा कि भाई ये स्टार मटेरियल नहीं है, ये स्टार बन नहीं सकती है जी। तो जी तो ये बस फिर वहां से मतलब ना कर दिया और अमिता जी ने वो रोल किया फिर मेरा जी। तो और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आयस जोहर के साथ मैंने शूटिंग की थी तो आयस जोहर साहब बेवकूफ बना रहे थे जी। और वो चाह रहे थे कि मैं उसमें काम करूं जी। लेकिन मम्मा ने वर्ड दिया था विजय भट्ट जी को कि जब तक आपकी पिक्चर रिलीज ना हो जी तब तक हम बाहर कोई पिक्चर साइन नहीं करेंगे जी। तो वहां से भी गए यहां से भी गए वाली बात थी। और बस उसके एक हफ्ते में मैं गई थी रंजीत स्टूडियो में, मुहूर्त था तो वहां मैं गई थी तो वहां एस मुखर्जी साहब ने मुझे देखा जी। उन्होंने कहा तुम कल आ जाओ ऑफिस में जी। अब मुझे कुछ मन नहीं था जाने का, फिर भी मैं गई वहां और उन्होंने कहा हमारी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लो तुम जी। तो मैं एक्टिंग स्कूल में दो दिन जाऊं, छह दिन गायब रहूं, इस तरह से मन नहीं था इतना। अच्छा, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मन नहीं था आपका? ये गूंजू की शहनाई के बाद तो बिल्कुल ये जो झटका जो आघात सा लग गया था अच्छा नहीं लग रहा था कि इस इंटरेस्ट जी जी जी। तो एस मुखर्जी साहब जी तो बस फिर उन्होंने बुलाया और सब काम शुरू हो गया। उसके बाद दिल दे के देखो बनने वाली थी जी। तो कहा कि एक शॉट साधना देगी, एक शॉट आशा देगी, एक दिन की शूटिंग करेंगे, जो ठीक रहेगा उसको हीरोइन बनाएंगे। नहीं सॉरी सॉरी मैं मिस कर गया, आपका कहने का मतलब आपने कहा अभी कि एक शॉट आशा देंगी और एक शॉट कौन देगा? साधना। वाह, वो उनका भी ट्रायल चल रहा था? हाँ जी, उनका भी ट्रायल चल रहा था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया दिल दे के देखो में और साधना का सिलेक्शन हो गया लव इन शिमला में। अच्छा ओके। हाँ, दोनों फिल्में मुखर्जी साहब ने प्रोड्यूस की थी जी जी। तो इस तरह से आपको मिल गई फिल्म दिल दे के देखो जी। और 1959 में आपके ही बर्थडे के ऊपर ये फिल्म रिलीज हुई जी और आप बन गई स्टार। हाँ जी। आज सुहाना सफर में हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा पारेख जी का और आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। आशा जी, आपका देव साहब के साथ आपने फिल्म की है, महल फिल्म की है आपने, महल फिल्म की जी, जी जी। तो उसका कुछ अनुभव बताना चाहती हैं आप देवानंद के साथ? काम करने का बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक इंसान थे जी। और काम करने में बहुत दिलचस्पी लेते थे, अपना काम होता था तो उसमें अपना मन लगा लेते थे वो। और एज एन एक्ट्रेस कब आप किस फिल्म से आपको लगा कि हाँ अब मैं एज एन एक्ट्रेस स्टार तो बन गई थी आप, क्या वो फिल्म कटी पतंग से ही आपको एक एज एन एक्ट्रेस एक जो एक वेटेज मिलना चाहिए था वो मिला और मिला आपको फिल्म फेयर का अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लोगों ने जैसे कहा आपने कि मैं स्टार थी, एक्ट्रेस नहीं थी, आर्टिस्ट नहीं थी जी। तो ये हुआ कि दो बदन जब रिलीज हुई थी तब मुझे क्रिटिक्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि आई वाज अ गुड आर्टिस्ट जी जी। तो उस वक्त मुझे बहुत बहुत मतलब अच्छे क्रिटिक्स ने मतलब ये स्टेटमेंट दिए थे। तो वहां से पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ कुछ एक्टिंग कर लेती। उसके बाद चिराग में भी रोल था, वो भी काफी मुश्किल वाला रोल था। और मैं तुलसी तेले आंगन की में भी आपकी परफॉर्मेंस सब लोगों ने बहुत सराही। शम्मी जी के साथ पहली फिल्म में काम करते हुए घबराहट थी, इतने बड़े स्टार थे या ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं? नहीं, शम्मी जी के साथ काम करने का मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही मतलब समझाते थे इस तरह से करो इस तरह से करो। और मुझे गाना बिल्कुल वो लिप सिंग में गाना गाना बिल्कुल आता नहीं था, उन्होंने ही मुझे सिखाया कि कैसे लिप सिंग करते कैसे गाना गाते हैं। तो आए दिन बाहर के में गाना था, उनको ऐसे लगा कि मैं उनको इमिटेट कर रही हूँ लेकिन उनकी स्टाइल मेरे में थोड़ी बहुत सी आ गई थी। अच्छा, और ये भी हमने सुना है कि आप शम्मी जी को चाचा कहकर बुलाया करती थी, ये सही बात? जी, मैं उनको चाचा बुलाती थी। देखिए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हीरोइन हीरो को चाचा बुलाती है और हमने ये भी सुना है कि उनकी जो धर्मपत्नी थी एक पॉइंट के ऊपर आपको गोद लेना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, गीता जी मुझे गोद लेना चाहती थी जी। और हम शूटिंग कर रहे थे दिल दे के देखो की जी,
तो उस वक्त गीता जी मुझे अपने कंधे पे उठा के घुमाती थी और कहती थी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये प्रेम था, ये प्रेम था जी। आज सुहाना सफर में हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आशा पारेख जी का। आज उनका बर्थडे है, 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में ही पैदा हुई थी। और आशा जी हमारे साथ फोन पर है। शमी जी के साथ आपने टोटल 3 फिल्में की हैं, पहली दिल देके देखो की, फिर तीसरी मंजिल की, और पगला कहीं का। पगला कहीं का क्या यादें हैं उनकी आपके? वो तो आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे आपको जी। बहुत बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करने का। हमने जब साधना जी से बात की तो साधना जी ने ये कहा हमसे कि आप लोगों के बीच में कोई राइवलरी नहीं थी। अगर डांसर का रोल होता था तो आशा के पास चला जाता था, खूबसूरत लड़की का रोल होता तो सायरा के पास चला जाता था, और परफॉर्मेंस वाला होता तो मेरे पास आ जाता था। और हमने ये भी सुना है कि आप एक ही फील्ड में एक ही कंटेम्प्रेरी रहने के बावजूद आपके बीच में कोई इस तरह की राइवलरी नहीं थी, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई राइवलरी तो थी नहीं, बट हाँ प्रोफेशनल जेलेसी जरूर होती है। ये नहीं कि प्रोफेशनल जेलेसी नहीं होती, होती है, राइवलरी थोड़ी होती है, क्योंकि किसको कैसा रोल मिल रहा है, कौन सी पिक्चर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, होता है थोड़ा सा, हम चाहे ना चाहे थोड़ा सा। बट ऐसी राइवलरी नहीं थी कि जो मतलब एक दूसरे से बात नहीं करो, ये नहीं, मिलते थे तो बहुत अच्छी तरह से मिलते थे हम। और आशा जी एक बात और पूछना चाहूंगा जो हमारे ज्यादातर श्रोताओं को पता नहीं है। एक पॉइंट के ऊपर आपने जो घर अपना डिजाइन किया था वो कहा जाता था आयन रैंड के किसी नॉवल या किसी उसके ऊपर किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया था, और किसी जमाने में आपके घर का डिजाइन पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रहा था, इस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी आप? मेरा जो मकान था वो पूरा रेड स्टोन में बनाया हुआ था जी, और नरी गांधी, लेट नरी गांधी ने वो बनाया था मेरा मकान। किन्होंने? फ्रैंक लॉयड, नरी गांधी, नारी गांधी जी, जी जी, और फ्रैंक लॉयड राइट के वो असिस्टेंट थे जी, जो एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट अमेरिका में थे जी जी। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल का घर था जी, जिसके मतलब सारा पत्थर से बना हुआ था। आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। आपने सारी फिल्में की, आपने टेलीविजन भी डायरेक्ट किया और उसके बाद सेंसर की चेयरपर्सन भी रही। एक कंट्रोवर्सी भी आपके बारे में थी जब आपने शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्टिफिकेट या क्लियर करने से इनकार कर दिया है, अगर फील लाइक शेयरिंग दिस थिंग। नहीं, द थिंग इज के शेखर कपूर जी गलत थे, इसलिए क्योंकि ब्रिटिश में भी जब यूके में भी पिक्चर रिलीज हुई थी तो उसको आरए सर्टिफिकेट दिया था जी जी। तो यहाँ जो वो मांग रहे थे कि हम जब उनको ए सर्टिफिकेट दे रहे थे तो वो यू मांग रहे थे जी। When it was given an RA certificate there, जी, तो यहाँ कैसे वो मांग रहे थे कि हम उसको मतलब छोड़ दें? तो ये dispute हो गया। Dispute था, इसलिए वो मतलब काफी कुछ चर्चा में रहा। लेकिन मैं सिर्फ उनसे यही पूछूं कि जब वहाँ restricted के लिए था तो यहाँ क्यों वो यू सर्टिफिकेट मांग रहे थे? वो यहाँ यू मांग रहे थे आपसे? जी जी। तो आपने बिल्कुल मना कर दिया? नहीं, उसमें हमने कहा कट्स ले, आप हम जो दे रहे हैं वो कट्स एक्सेप्ट कर लीजिए और पिक्चर रिलीज कर लीजिए। जी जी। तो जी, वो माने नहीं, बोले मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। हमने कहा अच्छा जाइए ट्रिब्यूनल में। तो फिर फाइनली ट्रिब्यूनल ने भी उनको नहीं दिया ना? ट्रिब्यूनल में थोड़े कट्स तो दिए ही उन्होंने। जी जी। और आप सोशली भी UA सर्टिफिकेट दिया, यू भी नहीं दिया था? अच्छा अच्छा। आप, आपका हॉस्पिटल है उसकी ट्रस्टी हैं आप, बहुत पुराना हॉस्पिटल है आशा पारेख हॉस्पिटल, उसके उसके बारे में कुछ कहना चाहें, शेयर करना चाहें अपने विचार? मेरी मम्मी, जैसे मैंने कहा कि वो एक सोशल वर्कर थी जी, तो वो इस हॉस्पिटल के लिए भी काम करती थी जी जी। तो जब मैं स्टार बन गई, मैं डॉक्टर बनना चाहती, डॉक्टर बन नहीं पाई जी। तो जब मैं स्टार बन गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक हम पूरा वार्ड डोनेट करेंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड जी जी। बट उस वक्त मेरा नाम इतना हो गया था तो लोग आशा पारेख हॉस्पिटल बुलाते थे, एक्चुअली वो BCJ हॉस्पिटल है जी। अब उन्होंने हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था यूनियन का जी, तो हमारा अस्पताल 18 महीना बंद रहा था जी जी। तो उसके बाद जो खुला तो इन लोगों ने मतलब काफी कुछ हमें मेहनत करनी पड़ी और उसको रीस्टार्ट करना पड़ा जी जी। जिसके रीस्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन जी आए थे लॉन्च करने को जी, और उन्होंने कहा कि अपना हॉस्पिटल वालों ने कहा नहीं, BCJ हॉस्पिटल और आशा पारेख रिसर्च सेंटर कर देते हैं हम जी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे समझते तो ऐसे रख लीजिएगा। फिर उन्होंने नाम इस तरह से रख दिया है अस्पताल का।
आशा जी, आपके ऊपर न जाने कितने गाने पिक्चराइज हुए, लेकिन फिर भी इम्प्रॉम्प्टू जो गाने आपके जहन में आते हैं, अगर मैं पूछूं पसंदीदा कौन कौन से गाने हैं? जाइए आप कहाँ जाएंगे जी, सुनो सजना, आए दिन बहार के, सुनो सजना पपी है, सुनो सजना जी। और दैया रे दैया कहाँ आप फंसी, कारवा, ओह वाह, जी 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 जी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जी जी जी, मदन मोहन जी। और सोना रे सोना, ओ मेरे सोना रे, बिल्कुल बिल्कुल, एक से एक बेहतरीन गाने आपके ऊपर पिक्चराइज हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने। और लव इन टोक्यो के गाने सायोनारा, हां जी सायोनारा भी। आशा जी, कुछ और कहना चाहें प्रोग्राम के बारे में, अपने बारे में कुछ भी शेयर करना चाहें? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पुरानी यादें हैं वो सब ताजी हो जाती है, लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पुराने आर्टिस्टों के बारे में, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच आशा जी, आप खुश रहें, आबाद रहें, दीर्घायु हो, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू, थैंक यू आशा जी। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, वंदे मातरम।